क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, आजकल मेहनत मजदूरी करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, लेकिन चंदे का धंधा करके जिंदगी गुजारना बहुत आसान हो गया है। इमोशनल वीडियो बनाना या किसी वीडियो में इमोशनल म्यूजिक डाल देना और फिर आप लोगों से पैसे वसूल कर लेना, ऐसे चंदा चोर आपके बीच हर दिन आ रहे हैं। अब एक शख्स को बंडी दिलाई गई, यानी कि ठेला बंडी दिलाई गई, अब दिलाकर इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया। अब आपके वैसे जज्बाती लोग बहुत सारे पैसे डाल दिए हैं। अब जो भी साहब इसको ठेला बंडी दिलाए हैं, अब वो बाकी के पैसों का तो काम पछानेंगे ना। अब इनको एक बंडी दिला दिए हैं। अब इस पर मोहम्मद इम्तियाज ने कॉल करके कुछ उसी शख्स से तफसीलात मालूम की। आइए सुनते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, जैसा आपसे वो पूछने का था, वो जो बीच में आपको इलावा पैसे वैसे दिए थे, क्या आप पैसे मंगे या नहीं मंगे? किसी को भी एक रुपया भी नहीं मंगे साहब। तो आपको मालूम भी नहीं, आपको इलम में भी नहीं था इलम ऐसा वीडियो ले रहे आपका बोल? नहीं मालूम साहब। ऐसा कितने दिए थे आपको इलाम पैसे? पैसे नहीं दिए साहब, खाली बंडी दिए। खाली बंडी दिए? हाँ। वो कुछ मालूम हो रहा था, कुछ 500 रूपए भी दिए? नहीं साहब, 1 रुपया नहीं दिए साहब, झूठ। बंडी दिए? खाली पे ये भी नहीं बोले ना कि वीडियो बना रहे हैं दोबारा बोल के भी नहीं बोले? नहीं बोले, नहीं बोले कुछ भी नहीं, खाली ऐसे लाए बंडी दे दिए। हाँ। क्या बोल के दिए बंडी लगा? बंडी ये कारोबार में बोला चमाटा किसका नहीं, बंडी ये थी मेरी टूट गई बोले। हाँ। तो नहीं बंडी दिला दिए? हाँ। रखी भी थी बंडी, हाथ में कुछ पैसे ऐसे भी दिए क्या? नहीं 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 जी नहीं दिए। फिर आपका वीडियो वायरल हो रहा था तो ना दूर से ले लिया, भी पता नहीं चला सकता? नहीं नहीं पैसे वैसे नहीं दिए। मैं वही दूर से लगा वीडियो ले रहे तो ही तुमको मालूम नहीं हुआ? नहीं खाली वीडियो ले रहे। हाँ, मैं बोला वीडियो ले रहे हैं तो रखेंगे आप। अब फोटो आजकल ले रहे ना भाई, बिनू भी ले रहे ना, बैतुल माल वाले भी ले रहे ना वैसे। हाँ। बैतुल माल वाले कल दिए ना बंड, परसों दिए ना बंड नहीं लोग। हाँ। हाँ, वीडियो लिए। अच्छा उन लोग लिए लगा? हाँ। ये लगा तो आपको बोले भी नहीं कुछ भी नहीं, होशियारी से कर लिए। क्या बोले तो अल्लाह के नाम पे दे रहे बोल के बोले? अल्लाह के नाम। और आपके रिश्तेदारों के सामने, आपके पड़ोसियों के सामने आपको वो करके छोड़ दिए? हाँ। क्या बोले तो इनके से आप अल्लाह क्या करेंगे? बदमाशा बस ऐसी मुसलमान गरीबों का मिडिल क्लास वालों का तमाशा बना रहे सोशल मीडिया पर, तमाशा बना के आप लोगों का फायदा उठा रहे। हाँ। और ये बदमाशा देखे तो आप लोगों को 1,500 रूपए का मदद करके वो नहीं नहीं आपको नहीं दिए होंगे, लेकिन दूसरों को ऐसी 1,500 रूपए 10,000 रूपए ऐसा दे के क्या कर रहे हैं? लाखों रुपए अपने अकाउंट में बोल रहे लगा लोगों, ये चल रहा है लोगों मामला। कब तक चलेगा साहब? क्या करेंगे इसके ऊपर? गवर्नमेंट भी कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है इन लोगों के ऊपर, और हमारे मुसलमान पूरे खामोश बैठे हुए, और हमारे मुसलमानों को भी हमारे भाइयों को भी कबक खिलाती क्या नहीं की ये बदमाशों को चंदा चंदे के पैसे लोगों पैसे डोनेट कर रहे लोगों। घर पे उसका भाई आया था मेरे पास, आके बोला अब वीडियो हटा दो बोल के बोला बस। अच्छा आप बोले थे? आप नहीं, उन्हें आया था मेरे पास परसों, आके बोला वीडियो हटा दो, हम बंडी आप तोड़ लो बेच लो कुछ भी कर लो। हाँ। तो वीडियो हटाए फिर लगा? नहीं हटाया, हटा देते बोल रहे हटाते ना। अच्छा, उससे तो लोगों को फायदा है ना? हाँ, उससे तो लोगों को फायदा है, वही वीडियो लोगों को बता के करके हम लोगों को मतदान कर रहे हैं वो कर रहे बोल के पैसे ऐसे हड़प लेते रहते। कब तक साहब ये यही खा लेंगे? वहाँ तो जवाब देना है ना साहब। ये ऑटो वालों को अच्छे खास दूसरे ऑटो वाले अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेहनत करके अपने बीवी बच्चों को पाल रहे, और ये बदमाशा देखे तो कहा गली गली फिर लेते हुए कमाएंगे रे भाई। ऐसे मुसलमानों के वीडियोज बुटे आदमियों को बेवा औरतों के वीडियोज बनाओ, सोशल मीडिया पे फेमस भी हो जाओ और अपना भी पैसा अपना भी गुजारा हो जाता। दूसरे इतने ऑटो वालों को देखा मैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह
कारोबार कर लेते। अब ये पीवर्ड साला ये हरामी कामा कर रहा है ऐसा, वो कब तक है कि साहब अल्लाह की मार पड़ी तो बोलने चलते सब। पड़ती पड़ती बस सबर करना है, अल्लाह देखता कब कब सुधरता कि मेरा बंदा देखेंगे देखेंगे होता। उसके बाद अल्लाह की मर्जी है बस, उसके बाद ऐसी मार मारता कहीं के भी ना रहते, घर के रहते ना दार के रहते। ऐसी तो ऐसी दूसरे जने भी ऐसी थे चने के धंधे करने वाले, एक चप्पल ऐसी बंडी पे बेचारे पपई बेच रहे थे छिछा, वो तो चप्पल पिना के वीडियो बना दिया होगा, खाली चप्पल पिना के आने को। चप्पल बहुत से बहुत कितने की होंगी, 200-250 की चप्पल होंगी, 1400 की चप्पल है बोल के बोल दिया। वही 1400 रुपए अगर छिछा को देता तो चावल का थैला तो भी आया देता उनका एक महीने का, वो चप्पल से ज्यादा। वो क्या छिछा करने का चप्पल नहीं थी क्या, बिना चप्पल के थोड़ी फिर रहे थे लोग। सही है अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी बेचारे कारोबार जो मंडियों पे जो कर लेते लोग, कुछ ना कुछ तो भी सुबह से लेकर शाम तक 500-600 तो कमाते होंगे भाई सब जाके। बस अल्हम्दुलिल्लाह एक चप्पल ना खरीद सकते क्या, तो उनको भी बस जलील बता दिया लगा, इनके एक चप्पल नहीं थी तो हम चप्पल दिए हम इनको बोल के। चोर पट्टे वाला हाँ क्या करेंगे, आप लोग अभी सेकंड टाइम कोई भी ऐसा आए करे तो बदमाशों के पहले देखो पहले कहाँ से ले रहे लगा वीडियो, चल निकल क्या तमाशा कर रहा, दे रहा तो दे अल्लाह के नाम पे लेकिन ये तमाशे ना कर चल निकल बोल के बोलो। ऐसा आप लोगों से फायदा उठा रहे लगा, बच के रहो बस, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह बस अल्लाह कमाई में बरकत दे, अल्लाह भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए एब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग and admissions and accommodation assistance. Hamara patra Matruchri apartment opposite Zodio, Bashirbagh Road, Hyderabad. Mobile 9581987528. Khabar hai shahar ki, khabar hai gaon ki, khabar hai sari duniya ki. 7H News. Pasand aaye to like kijiye, share kijiye aur subscribe karna na bhule. 7H News.